माय नेम इज शान बसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी चैनल। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी रही थी एंड हम लोगों ने बहुत अच्छा फॉल प्रिडिक्ट करा था कल के ट्रेडिंग सेशन पे एंड एग्जैक्टली वैसा उसने परफॉर्मेंस दिया है। अब बहुत कुछ अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करके मार्केट नीचे गई है, निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं गई है, बैंक निफ्टी जितना ज्यादा नीचे गया है, तो एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन हम लोग बना के चल सकते हैं और दो दिन एक अच्छी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो इस टाइम पे हम लोगों को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेकर चलना है ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी पे भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कब परफेक्ट टाइमिंग पे सेल करके चलना है या बाय करके चलना है। सो गाइस, इसको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा वेबिनार आने वाला है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर संडे 21 नवंबर को। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे वहां से आप हमारे पेज में जा सकते हैं एंड पेज में आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी कि फ्लैग पैटर्न में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। प्लस ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वर्कशॉप, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप लोग रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम से, प्लस मनी बैक गारंटी है। सो गाइस, पूरा रीड करेगा एक झलक में आप लोगों को, अभी वीडियो स्टार्ट होते ही दिखा देता हूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, टेलीग्राम पे लिंक मैं दे दूंगा। सो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से रीड करिए एंड अगर आप लोगों को पसंद आता है प्लीज डू रजिस्टर एज वेल। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो गाइस, हम लोग अपने लैंडिंग पेज पे आ चुके हैं फ्लैग एंड पोल के वेबिनार पे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। लर्न द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग द फ्लैग एंड पोल पैटर्न दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली मेक एन एक्स्ट्रा 1 लाख एवरी मंथ। इस पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड अगर आप लोगों को पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इस पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा जो जो मैं बताने वाला हूँ एंड इससे भी आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी हमारे इस वर्कशॉप से रिलेटेड। 3 आवर्स टोटल वर्कशॉप होगा, 21 नवंबर 12 to 3 PM के आसपास है एंड इसको आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं एंड ऐसे वर्कशॉप फ्लैग एंड पोल से रिलेटेड मैंने पास्ट 2 ईयर्स के अंदर बहुत करे हुए हैं एंड आप देख सकते हैं पूरी चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 different types of फ्लैग पैटर्न आपको सीखने को मिलने वाले हैं गाइस। इसके अलावा आप देख सकते हैं टोटल 17 पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, टोटल 17 पॉइंट्स इन फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आप लोग अगर यूट्यूब पे अभी सर्च करेंगे एंड गूगल पे सर्च करेंगे टाइप ऑफ फ्लैग पैटर्न तो आपको 2 देखने को मिलेंगे, बुलिश एंड बियरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर मैं आप लोगों को 6 तरीके के फ्लैग पैटर्न बताने वाला हूँ एंड इस तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा कि आप लोगों को सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक बार आप इसे थॉरली रीड जरूर करिएगा लिंक पे क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा एंड दिस पर्टिकुलर वेबिनार इज वर्थ इट। अगर आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने हमें ऑलरेडी बता रखा था कि वर्कशॉप उन्हें कैसा लगा था, कुछ प्रॉफिट्स भी उन लोगों ने भेजे थे। फॉरेक्स पे भी ये काम करता है गाइस, फॉरेक्स क्रिप्टो हर जगह काम करता है। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप लोग अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं एंड वो आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। इसके अलावा गाइस, 100% मनी बैक गारंटी है डेफिनेटली गाइस। अगर आपको लगता है कि आप ये वर्कशॉप पे कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाए हैं या ये ऑलरेडी कंटेंट यूट्यूब या गूगल में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था तो आप हमारे थ्रू मनी बैक गारंटी के थ्रू पैसे दोबारा रिफंड ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, उनके ऑलरेडी आंसर है तो एक बार थॉरली रीड करिए। 499 रुपीज का गाइस डेफिनेटली जब तक आप पिज्जा आप लोग ऑर्डर करते हो उतने का आप लोगों को ये वर्कशॉप देखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट आप लोगों को बिल्कुल पेशेंसली देखना होगा बिकॉज इस पे उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वर्कशॉप कंडक्ट करा जा रहा है जो लोगों ऑलरेडी फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है थ्रू यूट्यूब थ्रू देयर टीचर्स मेंटर्स, बट वो लोग तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मैंने उन लोगों को भी गाइस ये वर्कशॉप के अंदर बता रखा है, मैंने पर्सनली जूम मीटिंग के थ्रू बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज करते हैं बट ये टेक्निक के थ्रू उन लोगों ने इम्प्रूव करा है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वेबिनार को जरूर अटेंड करेगा। अगर किसी को कोई पैटर्न सीखना भी है जिससे वो स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को तो भी ये लोग जुड़ सकते हैं इन पर्टिकुलर वेबिनार पे, बिकॉज यहाँ पर मैं बेसिक फ्लैग एंड पोल पैटर्न से बताऊंगा किस तरीके से बेसिक टू एडवांस तक जा सकते हो, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझ सकते हो। सो डेफिनेटली गाइस, डू रिजर्व योर सीट्स, 21 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस 20 नवंबर। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं एंड आज मैं आप लोगों को कोई भी 3 स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करने वाला, रिकमेंडेशन होगी डेफिनेटली बट बाय और सेल के लिए नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को ये स्टॉक से वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करने हैं एंड डेफिनेटली अगर इस पर कोई ब्रेकआउट या हम लोग को एक रिवर्सल दिखता है तो ही हम लोग इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। डेफिनेटली कल मार्केट शायद एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद दोबारा रिकवरी आ सकती है, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट का टर्न अराउंड आ चुका है या दोबारा मार्केट रिकवर कर सकती है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन पे वेडनेस देखो, हम लोगों को ना ही ट्रेड ले स्टॉक स्पेसिफिक ना रहा है एंड मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसके बेसिस पे हम लोग अपना फ्यूचर पे स्टॉक सिलेक्शन को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से मैं तीन स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ कि जिस पे पॉसिबल रिवर्सल या एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है ब्रेकआउट के टाइम पे, तो सिर्फ इनको वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करो और मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कब इन पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक का नाम है कोलपाल। कोलपाल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश गाटले पैटर्न एक टाइप ऑफ बन रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं दिस पैटर्न, दिस इज आर ए बी सी एंड डी। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक बुलिश गाटले पैटर्न बना हुआ है, डेफिनेटली इस लेवल पे एक ब्रेकआउट और एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। जो लेवल आता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 88.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। सो डेफिनेटली गाइस एग्जैक्टली इस लेवल पे एक क्लोजिंग गिरा। कल अब ये वाली स्टॉक पे कैंडिडेट डिसाइड करेगी हमें करना क्या, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो बना है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे आरएसआई के अंदर तो यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार शायद स्टॉक रिवर्स कर सकता है और ऊपर की ट्रेंड कंटिन्यू हो सकती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 1600 रुपीज के आसपास आने वाले टाइम पे जा सकता है। करंट प्राइस 1500, तो स्टॉक को वॉच करिएगा। कल कोई भी अगर हम लोगों को रिवर्सल दिखता है तो डेफिनेटली एक बाय की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर हम लोग लेकर चल सकते हैं। रिवर्सल के लिए अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक मूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा पेशेंसली इसे वेट करेंगे। कोई भी अगर रिस्की ट्रेडर है और अगर उस पे स्टॉक पे पोजीशन बनाना चाहता है तो कल अगर इसी लेवल पे ऊपर होता है तो डेफिनेटली इस लेवल पे बाय करिएगा। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस लेवल पे बाय करा होगा उनके स्टॉप लॉसेस एक बार हिट होंगे और उसके बाद एक बड़ी कैंडल ही बना सकता है। जनरली हम लोगों ने देखा है कि ये वाले पैटर्न इस तरीके से फॉलो अप होते हैं। सो मेन जो सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है दैट इज 1502 रुपीज का, बट हम लोग जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो अराउंड करेंगे 1488 रुपीज का। 1488 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ गो विद अ लॉन्ग एट दिस प्राइस, बट अगर कल गैप डाउन खुलता है और स्टार्टिंग में खुलते ही नीचे जा रहा होता है तो इसको ट्रेड बिल्कुल भी मत करेगा। ठीक है, स्टॉक का नाम था कोलपाल। बात करते हैं अगले दो स्टॉक्स की। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्टवेयर, एंड बिरला सॉफ्ट को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इंपल्स मूव आई थी, उसके बाद एक रेंज के अंदर बन रहा था, एंड फाइनली हम लोग ब्रेकआउट एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, बट इस रेंज इस पर्टिकुलर पैटर्न को मैंने क्यों सेलेक्ट करा है बिकॉज इसके पीछे का रीजन है, अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एट दिस पर्टिकुलर लेवल बना है और उसका ब्रेकआउट आ चुका है। सो डेफिनेटली गाइस इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आया तो जो इसका राइट शोल्डर है उसका जो बॉटम है दैट इज 415 और जो टॉप है 435, तो यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपीज की अपमूव ये स्टॉक और दे सकता है अपने 435 रुपीज से। तो यानी कि 455 तक के टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वही एग्जैक्टली उसका यही लेवल है जो कि हम लोगों ने राइजिंग ट्रेंड लाइन को देखा है। सो यहाँ पर एक पॉसिबल रिवर्सल भी आ सकता है, बट जब अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो इसके अंदर एक मूवमेंट आ सकती है। स्टॉक अभी बाय लेवल के लिए नहीं है डेफिनेटली, बट अगर आप लोग इस पर बाय पोजिशन बनाते भी हैं तो कल पहले चेक करेगा कि आखिर 15 मिनट तक ये किस लेवल पे है, बिकॉज कल 15 मिनट या आधे घंटे तक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहने वाली है। तो स्टॉक्स अगर कोई ऊपर खुल रहे होंगे तो वो डेफिनेटली नीचे जा सकते हैं, रिवर्सल बहुत स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। सो 15 से 20 मिनट तक कल मार्केट को ऑब्जर्व करना, स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड मत लेना, सेटल होने देना मार्केट को, एंड उसके बाद हम लोग एक अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक हमारा ओरिएंट इलेक्ट्रिक ही है, जो मैंने आप लोगों को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी दिया था। डेफिनेटली ये ऊपर तो गया था बट हमारे बाय लेवल तक अभी तक ये नहीं आ पाया। हमारा बाय लेवल था 379 के ऊपर जाएगा तो हम लोग अपना एक बाय सेटअप जनरेट करेंगे। ठीक है, 379 के ऊपर अभी तक गया नहीं है, 2-3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये कल 379 के ऊपर जाता है, 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तो डेफिनेटली इस पे एक बाय सेटअप ले सकते हैं रादर देन कोलगेट एंड बिरला सॉफ्ट। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी बाय करना है, 15 मिनट की क्लोजिंग होती है तभी इस पे रखना है, और वॉचलिस्ट पे इन तीनों स्टॉक्स को ऐड करके रखो, बिकॉज अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है उसके बाद रिवर्सल करती है तो आई पर्सनली थिंक कोलगेट थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है एंड ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बिरला सॉफ्ट को अभी सिर्फ हमें वॉच करना है, एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो ही इसके अंदर एक ट्रेड परफेक्ट बन सकता है। अब बात करते हैं मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी की, एंड उसके बाद चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट की तरफ। गाइस हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड करा था कल के ट्रेडिंग सेशन को कि एग्जैक्टली इस लेवल पे आके से एक रेजिस्टेंस मिला था एंड एक राइजिंग चैनल के अंदर ये काम कर रहा था। बट आपको याद होना चाहिए कि आफ्टर अ वेरी गुड फॉल ये एक सिर्फ इम्पल्स मूव, यानी कि एक पुल बैक दे रहा था एंड उसके बाद एक फॉल एक्सपेक्टेड थी।
ये लेवल हम लोगों ने बोला था कि इस लेवल तक तो डेफिनेटली आ गया, बट अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो 100 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, 230 का ब्रेकआउट देगा, अदरवाइज एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। एक्जैक्टली एक सेलिंग प्रेशर आया और ऑलमोस्ट 18,000 तक ही आ चुका है। अब इसके लिए जो क्रूशियल लेवल है दैट इज 17,900 एंड 17,800 रुपीज का, बट अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो हम लोग 17,500 तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इंडेक्स पे इस पे अभी एक खास ब्रेकडाउन नहीं आया मतलब, तो यहाँ पर पैटर्न का तो इस पे कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर मार्केट निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या सेंसेक्स गिरेगा तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट डेफिनेटली करेगा। एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं एंड बैंक निफ्टी पे एक तरीका देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड बन सकता था। ओके, सो यहाँ पर मैं 1 आवर 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक रेंज ड्रॉ करी थी, यहाँ पर सब मल्टीपल सपोर्ट्स हमें लोगों को देखने को मिल रहे थे एंड मल्टीपल सपोर्ट्स पे आप देख सकते थे आज के इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन पे हुआ क्या। आज के ट्रेडिंग सेशन पे जैसे ही ओपन हुआ गैप डाउन हुआ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने आपको कहा था ये जो जोन है, ये जो येलो कलर का जोन देख रहे हैं एंड ब्लू कलर का जोन, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा आप क्लियरली शॉर्ट कर सकते हैं, आफ्टर अ रीटेस्ट आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट होता है ब्लैक कलर की लाइन और उसके नीचे हम दोबारा और शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो इस लेवल था 38,500, डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, 38,350 तक आया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया था 38,400 पे अपने टेलीग्राम पे कि आप यहाँ पर और शॉर्ट आप बना सकते हो बिकॉज और 400 पॉइंट या 300 पॉइंट तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके अंदर जो फॉल आया था वो 38,200 का आया था, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 आवर की कैंडल्स क्लोज हुई हैं, अगर कल गैप डाउन के साथ हम लोगों को ऊपर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, कल अगर गैप अप नहीं होता मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर और वो 38,430 के ऊपर नहीं जाता तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और ज़्यादा फॉल कर सकती है। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो सपोर्ट और कहाँ देखने को मिल रहा है, सो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करने की कोशिश करें तो बेसिक जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 38,075 रुपीज़ पे। तो यानी कि अगर कल हल्का सब छोटा सा गैप अप खुलता है 50-60 रुपए का तो डेफिनेटली तब भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, इस लेवल पे खुलता है तो भी शॉर्ट बना सकते हैं। गैप अप पे हम लोगों को 15 मिनट स्टार्टिंग पे वेट करना पड़ेगा बिकॉज एक कैंडल बनाने के बाद वो रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो एक अल्टीमेट टारगेट है कल के लिए दैट इज 38,080 रुपीज का लेवल, बट वहां पर अगर नीचे जाएगा तो एक बार छोटी सी अप मूव आ सकती है, तो वहां पर एक कॉन्ट्रा बाय हम लोग बना सकते हैं एंड उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे जा सकती है। इन द एंड मार्केट को नीचे जाना है रैदर देन अगर हमें एक ह्यूज गैप अप कल के ट्रेडिंग सेशन पे देखने को नहीं मिलता। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है, एक बार स्टडी कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की एंड ट्रेड करते हैं। सो हम लोग अपने ओपन इंटरेस्ट पे आ चुके हैं, निफ्टी का मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन करा हुआ है, क्लोजिंग हुई है निफ्टी के 18,000 पे। सबसे पहले अगर कॉल और पुट चेंज देखेंगे तो कॉल है 9.1 मिलियन और पुट चेंज है 5.7 मिलियन ऑन अ नेगेटिव साइड। अगर नेगेटिव है पुट चेंज तो यानी कि जितने लोगों ने भी बेस क्रिएट करे हुए थे, पुट राइटिंग करी हुई थी, उन सब लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, वो लोग एग्जिट कर चुके हैं एंड कॉल राइटर्स और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब कॉल राइटर्स 18,000 पे तो डेफिनेटली एक्टिव है और 18,100 के अंदर और ज्यादा एक्टिव है। सो अगर कल ये गैप अप खुलता है, बाय चांस निफ्टी गैप अप खुल जाए और 18,100 के ऊपर नहीं खुलता गैप अप तो एक सेलिंग प्रेशर हम लोग गैप अप पे भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब आपको कल वॉच क्या करना है, अगर कल गैप अप खुलता है तो 18,100 के ऊपर ना खुले और 38,330 के ऊपर ना खुले, अगर उससे नीचे ही खुलता है तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट गैप अप पे भी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे तो पुट राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं 18,100 पे भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। सो अगर कल गैप डाउन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कहीं पर भी पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है तो सीधा हम लोग यहां पर 200 पॉइंट की फॉल तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो निफ्टी हमें प्रोवाइड करवा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो कॉल चेंज है 2.5 मिलियन एंड पुट चेंज है 0.5 मिलियन। सो यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 38,500 पे, तो यानी कि 200 पॉइंट ऊपर तक तो मार्केट डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अलावा 38,400 पे भी हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है। अब 38,300 पे भी कॉल राइटर्स एक्टिव है तो डेफिनेटली अगर कल ये इसके ऊपर निकलता है तो ही हमें बाय करना है। सो मैंने आप लोगों को लेवल क्या बोला, इस लेवल के ऊपर, ओके सॉरी द क्लोजिंग इज 38,300, सो 38,430 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, 38,330 नहीं 38,430 के ऊपर गैप अप नहीं होनी चाहिए। अब पुट राइटर्स आप देखेंगे तो 38,500, 600, 700 से लेके 39,000 तक पुट राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं,
यानी कि अपसाइड की लिमिटेशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है, डाउनसाइड पूरा खुल चुका है बिकॉज यहाँ पर कोई भी पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है रादर देन 38,200। सो अगर कल गैप डाउन होता और ये ब्रेक होता तो एक हेवी सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है जो हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें एफ आई और डी आई एस के डाटा की, तो सेम एफ आई एस ने ऑप्शन के अंदर सेलिंग बना रखी है एंड इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है जो लोग, वो लोग पास 2 वीक से करते आ रहे हैं, तो उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो गाइज ये थी हमारी एनालिसिस आज की। अब डेफिनेटली कल देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये वर्क करती है नहीं करती है। पास्ट फ्यू डेज से मार्केट के अंदर हमारी एनालिसिस वर्क कर रही है, सो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। इसके अलावा गाइज वेबिनार का मैंने आप लोगों को डिटेल्स दे दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, गो एंड ज्वाइन। आपको डेफिनेटली इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं सिखा पा रहे हैं और ये वाला कंटेंट यूट्यूब या गूगल में आप लोगों को मिल सकता है, तो आप लोग मनी बैक गारंटी के थ्रू हमसे पैसे वापस ले सकते हैं। बट डेफिनेटली हम कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाने वाले फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर जो यूट्यूब या इंटरनेट पे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं होगा। सो प्लीज डू ज्वाइन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड लिंक अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस पैटर्न को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सबमिट करते हैं इसी वीडियो को। बाय बाय।